पूरा हो जाएगा। ये नाजुक सी कलाइयों में साथ रखना, तुम्हें मालूम नहीं है कौन हो, कि मेरा नाम क्या है और मैं किसकी लड़की हूं। आप जहां जा रहे हैं वहां चले जाओ। बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, मैं भी देर नहीं करूंगा। और सीधे साधे कर नहीं और करोगी मुझसे प्यार। और सीधे साधे कर नहीं और करोगी मुझसे प्यार, और जब रंगू तेरे साथ मैं अब लूटूंगा। मारते गे दुदम भेज मुल के अदम सरजनी पर रुढ़कता नजर आएगा। के मारते गे दुदम भेज मुल के अदम सरजनी पर रुढ़कता नजर आएगा। कर दिया अच्छा। और बना बनाया और चौपट तूने कर दिया अच्छा। और बना बनाया काम और जाना है जाओ जहां नहीं फसाओ। अरे तेरा दिमाग खराब है, हराम जादे किसी को जबरदस्ती किसी के साथ करेगा। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा था। सुन, के बात कोई किसी की सुनेगा नहीं रे बात कोई। कभी धोखा खा जाएगा के चोर होगी पतिंगे अब तेरी खोपड़ी गर्व कर जबकि पर्वत से टकराए। के चोर होगी पतिंगे तेरी खोपड़ी गर्व कर जबकि पर्वत से टकराए। बोल क्या कहना चाहता बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि देख तेरे पीछे मेरा कौन आ रहा है, मेरा गिरोह आ रहा है। कौन आ रहा है तेरे भाग के ऐसा लो। हेलो, ये बताइए इन हरामजादों के चक्कर में तुम कैसे आ गई। अरे आपने आके मेरी अच्छा अरे आबरू बचाई है और हमारे साथ में कितने किया। देवी जी हम आपसे
कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो? और इसमें एहसान देवी जीना कुछ हमारा है, इसमें एहसान देवी जीना कुछ हमारा है, और सभी इंसान को होता यही गवाह रहे सभी इंसान को। क्यों देर होती है मुझे, मैं अपने घर को जाता हूँ। देर होती है मुझे, मैं अपने घर को जाता हूँ। हर देवी जिस वक्त हाँ नमस्ते तुम्हें हमारा है, देवी जिस वक्त बताइए क्या है? तुम क्या कह रहे हो? मैं ये हमारा कोई एहसान हमने नहीं किया, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी जो कि हम यहाँ आ गए। आपका बहुत बड़ा एहसान मेरे पास। इसमें एहसान ये कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि एहसान मैं कब चुकाऊंगी, कैसे चुकाऊंगी राजा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? हमसे फालतू की बात मत करो। अरे तुम तो ठहर परदेसी। तो हम जा रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रही हो? सिर्फ एक बात सुन लो ना। क्या बात है? अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाओगे। देखो हम प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत खराब है। आजकल लड़कियां प्यार तो कर लेती है, और जब प्यार में पागल हो जाता है ना, तो उसे मरने के लिए छोड़ देती है जिंदगी की कगार पर। देखो क्या बात है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपने मेरे साथ एहसान किया है, मैं इस एहसान का बदला लगता है इसी वक्त चुका दूं। अरे किसी तरीके से चुका देना, लेकिन प्यार के तरीके से नहीं। देखो मैंने जब से आपको देखा हाँ, पता नहीं नचानी अच्छा अचानक से मुझे क्या होने लगा। क्या होने लगा? यहाँ पे हो रहा। देखो कहाँ पे हो रहा है, दिखाओ, मैं बताती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? हम उस लाइन के आदमी नहीं है। मान जाओ राजा पट्टू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमें लगता तुम बावली हो चुकी हो। मैं बिल्कुल
पूरी तरह से बाबली हो गई हूँ। हम समझ रहे हैं। एक बार मान जाओ ना। कोई बात नहीं, तुम हमसे प्यार करना चाहती हो? प्यार करना चाहती हो? सुनो मेरी बात। बोलो। तेरे मेरे बीच में अच्छा कैसा है ये बंधन अनजाना। बहुत अच्छी बात। कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। चलो चलते हैं। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। नहीं जानते, लेकिन तुमने सिखाया है तो कोई बात नहीं भाई, अब मुसीबत तो झेलना ही पड़ेगा। अब ये बताओ क्या तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हमने तो प्यार कर लिया और हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मनसा है। ये बताओ आप जंगल में, मनसा नाम है, अरे बियाबान जंगल में किस वास्ते तुम आई हो? मैं क्यों आई हूं? हाँ, मैं मोहन की तलाश में आई हूँ। क्या तुम मोहन की तलाश में आई हो? हमारे पिता का पुराना दुश्मन है। क्या कहा, तुम्हारे पिता का दुश्मन है? मोहन आ जाए ना मेरे सामने। हाँ? तो मैं उसे गोली मार दूंगी। मोहन इतना अच्छा आदमी है। अपने पिता के कदमों में डाल दूंगी जाके।
मोहन इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा लड़का है, उसकी तुम्हारे पिता से दुश्मनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम मोहन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कहां पर मिलेगा, क्या मदद कर सकते हैं? जब तक हम तुम्हारे पास रहेंगे मोहन, तब तक तो तुमको मिलेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि वो हमें डरता है और हमारा जिगरी दोस्त भी है, लेकिन वो हमारे पास नहीं आएगा। वो आपका दोस्त है? हाँ। आपसे डरता भी है? अरे क्या, क्यों डरता है? अदब करता है, शनि अदब करता है। अरे क्या, तुम मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा? मैं उसे गिरफ्तार करके अपने पिताजी के पास लेके जाऊंगी। गिरफ्तार करोगी, गोली मारोगी उसे? हाँ क्यों नहीं, अगर मोहन को बुला दूं तो तुम उसे गोली मार दोगी? तुरंत मार दूंगी। तैयार कर लो पिस्टल अपनी, फिर नहीं लगाऊंगी। बुलाओ उसे, किधर से आएगा बोलो? कंप्लीट है ना कारतूस? किधर से आएगा वो? सुनिएगा, अरे जरा सा नहीं मनसा, इधर से आएगा। अब देरी लगाओ, गोली चलाओ। और मेरा नाम मोहन, मेरा नाम मोहन है, गोली चलाओ। क्या कर बैठी? क्यों, क्या हुआ? मैं आप पर गोली चलाने जा रही थी। तो क्या हुआ? आप तो बहुत सीधे साधे हैं, मैं आपको नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ? नहीं भगवान, क्या लोग प्यार की कुर्बानी नहीं देते क्या? कभी नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। अगर मनसा तुम मोहन को नहीं मार सकती हो और मोहन को जिंदा रहने में इस दुनिया वालों को तकलीफ है, तो मोहन खुद अपने सीने पर गोली मारेगा। तुम नहीं मारोगे गोली? क्यों? मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं मरने दूंगी। आखिर तुम्हें इतना प्यार इतनी जल्दी हो कैसे गया मोहन? बोलो। मैं जब से तुम्हें देखी हूं ना, हाँ, जब से मुझे कुछ कुछ सा होने लगा है। क्या कुछ कुछ होने लगा? हाँ। क्या कहना चाहती हो मोहन? बोलो। मैं जाने में तुम्हें मार देती। तो क्या हुआ? शायद हमारी मौत तुम्हारे हाथों लिखी होती तो बहुत अच्छी बात। फिर मेरा प्यार, मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती थी मोहन। मैं पिताजी को बहाना बता दूंगी। क्या बहाना बता दूंगी? कि वो मुझे मिला ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, और जाओ अपने पिताजी को ये लेटर हमारा दे देना। अगर ये लेटर देख लेंगे आपके पिता तो हमें अवश्य जाने जाएंगे। इसमें हमारा नाम भी लिखा है और पता भी लिखा है। शाली लेटर भी देना पड़ेगा? हाँ, तब तो और मेरे पर खपा हो जाएंगे। और मनसा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहते हो कहो। अरे आदत नहीं अच्छी, आ करके चले जाना हो। आदत नहीं अच्छी, चले जाना सांसों में निगाहों में, सांसों में निगाहों में आकर के चले जाना। आदत
मोहन। हाँ बोलो। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसलिए चलो फिर इसी जगह कल मिलूंगी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कल इसी जगह हम इंतजार करेंगे आपका। अरे कि तू जो मिला, अच्छा सारी दुनिया मिली। बहुत अच्छी बात है। मिला दे मेरा दिल सारी दुनिया की। बताओ तो आज चलो चलते हैं। हमारी बेटी मनसा कह रही थी मैं मोहन को ला करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी, और अभी तक नहीं आई, इंतजार करता हूँ। द्वारपाल देखो, पिताजी से तुम कुछ नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है ना, जैसे मैं कहूंगी वैसे ही तुमको करना है। आओ चलो चलते हैं। तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, तेरे दिन भला कैसे लागे जिया। जी अकेली द्वारपाल है ना मेरे साथ में? अरे जिस को तुमने वादा करके गई थी। क्या करूं पिताजी, मैंने बहुत ढूंढा मोहन को। अच्छा, लेकिन वो कबीरा मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। जिससे मैं पूछती थी बोलता था, वही बोलता था कि यहां से मोहन कब के चला गया है। अच्छा, एक आदमी मिला था। कौन? वो तुम्हें लेटर दिया है। द्वारपाल वो लेटर लेके आओ, थे तो पिताजी को पढ़ने के लिए। पिताजी मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है। चाहता था कि बेटी ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मोहन भी कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है, ना ही तेरे हाथ आने वाला है। लेकिन दोस्तों अब मुझे क्या करना है राजबच्ची? जी हुजूर। तभी ड्यूटी दो और मैं इसके लिए जरूर उपाय सोचूंगा। जी हुजूर। और उसे एक ना एक दिन अपने हाथ जरूर उसे अपने काबू में करूंगा, और उस देखता हूं कि मुझे कैसे और किस तरीके से मारता है। मैं भी कोई ऐसा इंसान नहीं, देखा जाएगा, वक्त और समय बताएगा। कौन हूं? मेरा नाम गीता है। चलो अपने पिताजी के पास और आज्ञा लूं
स्कूल जाने के लिए। खुश रहो बेटी जी। पिताजी आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बेटी गीता तुम क्या कहना चाहती बोलो। अरे पिता जी मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे पास आई हूँ। अरे पिताजी मैं बहुत ही खुश हूँ घूमने के लिए। पिताजी घर में बैठे बैठे जी चल जाता है। अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम बगीचा घूमने की जी पिताजी दिल में ठानी ठानी। हाँ लेकिन अकेले जाओगे? नहीं पिताजी सहेली भी जाएगी मेरे साथ में। हाँ अगर ऐसी बात है जाने की आज्ञा तो दे सकता लेकिन गीता बोलो तुम्हें मालूम है वक्त और समय बहुत ही नाजुक है इसलिए जाओ और चमन घूम करके सूर्य डूबने से पहले तुम्हें महल आ जाना। जैसी आप चाहते पिताजी। ठीक है ना मैं जा रही हूँ। तो जाओ जा सकते हो। चलो चल करके आगे देखती हूँ। चल रही हूँ मैं खिलौने बेचने जा रही हूँ। दिल हुआ दीवाना दीवानी दिल हुआ दीवाना। अरे सारा जग छोड़ के आई तुझे चुन के आने लगा मना दीवानी दिल हुआ दीवाना। हेलो चल रही हूँ मैं खिलौने बेचने चलती हूँ। और खबारे किस्मतिया और खबारे किस्मतिया और दर दर ठोकर खबारे किस्मतिया।
आगे की ओर। हराम जादी बूह गाड़ी कतो की आंधारी। हेलो हेलो, और बात क्या है बताओ सभी ये सुनो बात क्या है, और बात क्या है बताओ सभी, हर बूढ़ी माँ को क्यों तू परेशान करती फिरे, ये हराम जादी अंधी है, और कौन सी ये गलती और माँ ने किया, खा में खा तू परेशान करती फिरे। अगर उन्होंने नहीं देखा तो आपको तो दिखाई। अरे मैं देख के ही चल रही थी, ये खुद धक्का मार दी मेरे बहुत तगड़ा। चलो ठीक है, आपको नहीं हो रहा, माँ के बहुत ज्यादा धक्का लग गया होगा। हाँ मारी माँ, कैसी बात है आप सच सच बताओ बेटा। हाँ माँ, ये लड़की मार कर धक्के मुझे आंखें दिखाती है, ये लड़की मार कर धक्के मुझे अरे आंखें दिखाती है, और देखो जरा